हे गेमर्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है गेमिंग? आप सभी का स्वागत है एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपको भी अगर रिसोर्स पैक में डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। मतलब आपका रिसोर्स पैक डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसमें लिख के आ रहा है कि आपके नेटवर्क कनेक्शन की वजह से रिसोर्स पैक डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो में बने रहना है एंड तक, क्योंकि मैं वीडियो के एंड तक पूरा सॉल्यूशन आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी भाई लोग चैनल पे नए हैं बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। तो यार, रिसोर्स पैक डाउनलोड करने की प्रॉब्लम आ रही है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में, तो मैं इसमें पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। तो पहले आप सबसे पहले मेरा प्रूफ देख लो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है कि नहीं। सारे मेरे मीरामार, सैनोक, इरेंगल, सारे मैप मेरे डाउनलोडेड हैं। देख लो यहाँ पे सारे डाउनलोडेड हैं। क्लासिक मेरा पूरा डाउनलोडेड है। एयरकेड में देख लो तीनों मैप डाउनलोड है, क्विक मैच, स्नाइपर ट्रेनिंग, वॉर और पेलोड भी डाउनलोड है। अरेना में मेरे सारे ये जो भी एयरकेड हैं, डेथ मैच है, सारे डाउनलोडेड है, ठीक है। और ट्रेनिंग भी डाउनलोडेड है। और यहाँ पे भी मैं प्रूफ दिखा देता हूँ डाउनलोड रिसोर्स पैक कितना डाउनलोड है। ये मेरे दो डाउनलोड है और ये तीसरे वाला थोड़ा सा बाकी है क्योंकि मेरा नेट ख़त्म हो गया था। तो मेरा देखो आधे 90% डाउनलोडेड है, बस 10% बाकी है डाउनलोडेड। मैप में देख लो 13 में से 13 डाउनलोडेड है। ये साइड में आपको लिख पे दिख के दिखा रहा होगा मैप एक्सपेंशन पैक, ठीक है। और ये तो अलग चीज़ है, ये कोई रिलेटेड नहीं है हमारी चीज़ के। तो बात कर लेते रिसोर्स पैक डाउनलोड कैसे करना है। तो रिसोर्स पैक डाउनलोड करने के लिए सॉल्यूशन भी BGMI वालों ने खुद ही बताया है। तो अगर आप मेरा तो सॉल्यूशन हो गया है तो मेरे को ये साइड में स्पीकर का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, वरना जिसका प्रॉब्लम है ना तो उसको कैसे यहाँ पे जहाँ पे ये एरो आ रहा है ना, एरो आ रहा है वहाँ पे एक स्पीकर का बटन है और वहाँ पे उसको दबाओगे तो ऐसा लिख के आता है कि जो डाउनलोड मैप है उससे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है इतनी डेट को। तो इसमें कुछ स्टेप बताए हैं, मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि आपको सेटिंग के बटन पे जाना है, फिर लॉगआउट करना है, फिर आपको क्या करना है, रिपेयर के बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको रूटीन रिपेयर पे क्लिक करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर आपके देखना जो मैप डाउनलोडेड है वो सब होने लगेगा। तो हम करके देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो आपको लॉगआउट करना है, लॉगआउट के बटन पर क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है। फिर जैसे ही आप लॉगआउट करोगे तो ऐसे इंटरफेस पे आ जाओगे स्टार्टिंग के पे। फिर आपको लॉगिन नहीं करना है, पहले आपको इस पे रिपेयर के बटन पे क्लिक करना है, रूटीन रिपेयर पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर ओके दबा देना है, ठीक है। यहाँ से आपको ओके दिखाने देना है। तो ओके जब आप दबा दोगे तो आपको 2-3 सेकेंड लगेगा, ठीक है, 2-3 सेकेंड लगेगा आपका अपडेट होने, मतलब वो जो भी रिसोर्स पैक डाउनलोड से प्रॉब्लम है उस सबको सेट होने में 2-3 मिनट लगे। मतलब 2-3 मिनट तो ज़्यादा बोल दिया, मेरा तो कम से कम 20-30 सेकेंड में ही हो गया था, ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकेंड लगेगी होगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, उतने ज़्यादा वेट नहीं करेगा। तो आपको इस पे रूटीन रिपेयर पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको ओके दबा देना है, जिससे क्या होगा आपका जो भी रिसोर्स पैक से डाउनलोड प्रॉब्लम है पूरी 100% सॉल्व हो जाएगी यार, क्योंकि इन्होंने खुद ही दिया है, हम कोई थर्ड पार्टी कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं, बस हम जो इन्होंने सॉल्यूशन बताया उसे फॉलो कर ले। फिर आपको सिंपल से लॉगिन कर लेना है, जिससे आपकी आईडी लॉगिन थी उसी से आपको फेसबुक से या ट्विटर से जिससे लॉगिन थी उससे आपको लॉगिन कर लेना है। फिर जैसे ही आप लॉगिन करोगे 1-2 सेकंड लेगा, इसको कट करना है, इसको भी कट करना है, फिर आपको वापस सेलेक्ट मोड में जाना है, जो फिर आपको डाउनलोड का ऑप्शन है फिर वो आ जाएगा, फिर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो कोई सा भी मैच मैप, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और सेटिंग में जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपको रिसोर्स पैक जिस टाइप का भी चाहिए हो अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मुझे पता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, नहीं सॉल्व होगी तो कमेंट कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई लोग प्लीज़।